हर दोस्तों कैसे आप? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि यार इसका मतलब चेहरा जो है सब पीला क्यों पड़ गया। जैसा पीला नहीं पड़ा, ये खुद पीला किया गया है, या दरअसल मुंह पे जो है हल्दी का लेप लगाया गया है, क्योंकि मुंह में जो मतलब पिंपल वगैरह आ रहे थे। तो मम्मी ने बोला कि भाई हल्दी वगैरह लगा लो, तो मैंने अभी वो हल्दी लगाई है, ठीक है। तो अभी जैसे देखते कुछ अजीब से लग रहा है, कि जैसे कि मैंने राक्षस मतलब एलियन जैसा लग रहा है ना। तो ऐसा भी अभी मैंने घोल के तैयार किया था, तो अभी लगाया मुँह पे। मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, कि मैंने उसमें क्या क्या मिलाया है, ठीक है। तो ये देखिए, ये रहा हमारी मतलब ये रही हल्दी। इसमें मैंने जो है साथ में एलोवेरा मिक्स किया है। मम्मी ने बोला था कि इसमें साथ में एलोवेरा मिला दे तो अच्छा रहेगा। तो मतलब यहाँ पे जो है मतलब ये माथे में यहाँ पे जो पिंपल आ रहे थे, और मतलब ऐसे जब भी मैं ऐसे कर रहा था तो मतलब मैं क्या बोलते उसको, चलो छोड़ो आप, ठीक है। तो ऐसी बात है, तो अभी हम अपने रूम पे हैं और सोच रहे थे कि मतलब कि भाई क्या बनाया जाए। तो मैं आज वीडियो नहीं डाल रहा था क्योंकि मेरे पास था नहीं कुछ भी डालने के लिए। तो मैंने सोचा यार क्यों ना ऐसे कुछ बनाया जाए, थोड़ा फन किया जाए। और क्या कर सकते हैं ज़िंदगी यार, मज़े करो, कर क्या सकते हैं। और एक तो कोरोना है, इसने तो बहुत बुरा हाल कर रखा है भाई साहब, क्या बताएं। अभी पता नहीं कितने साल और राज करेगा, अंग्रेज़ों की तरह राज करके रखा है इसने हिंदुस्तान पे। ऐसा कब्जा जमाया है ना कि सबकी ऐसी तैसी फेर गई, सबकी ऐसी तैसी फेर दी है इसने, ठीक है। पता नहीं क्या यार, तो अंग्रेजों से भी, अंग्रेजों का क्या बताऊँ मैं, ठीक है। तो ऐसी हालत करके रखी है। और हमारे और यहाँ पे भी झाऊ की साइड भी जो है कल परसों में फेसबुक देख रहा था, ठीक है। तो वहाँ पे एक मुझे एक मैसेज आया मिला, मतलब किसी ने डाला था, ठीक है। तो उसमें लिखा था मतलब एक कोई 60 साल की कोई बुज़ुर्ग थी, जिसको कि मतलब जिसने मतलब कोरोना के मतलब एक टीका लगाया था पहले भी, और दूसरा टीका उसने फिर से लगाया, और वो कोरोना पॉजिटिव निकली, और फिर वो उसका उसकी मृत्यु हो गई। मतलब यह हाल हो रहा है। तो वैक्सीन भी सोच समझ के लगाएं, क्योंकि वैक्सीन भी मतलब किसी किसी को ठीक बैठ रही है और किसी को नहीं ठीक बैठ रही है। तो मैं तो चाहता हूँ कि इसको लगाओ मत, क्योंकि जब ये नई नई आई थी ना, तो मतलब बहुत सारे लोग मर गए थे और कई बेहोश हो गए। तो मतलब ये ठीक नहीं है, मतलब वैक्सीन मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि ये कई बंदों को साइड इफेक्ट कर रही है, कई को नहीं लग रही है। तो मुझे लगता है ठीक है, ठीक है। तो देखो ना, हमसे बेहतर जो है कौन जानता, मतलब हमसे बेहतर हमको कौन जानता कि हम कैसे हैं। तो अगर आपको पता है कि हम जो है हम बिल्कुल स्वस्थ हैं, ठीक हैं, तो फिर वैक्सीन लगाने की क्या ज़रूरत है। इसी अपने घर में मज़े से रहो यार, क्या है बाहर क्या रखा है। वैसे भी क्या पता कब कौन कहाँ कैसा क्या निकल जाए, मतलब कौन किसको कोरोना हो जाए कोई पता नहीं। इससे बढ़िया ऐसा कि घर में रहो अपने। और हाँ, आप थोड़ा बहुत बाहर निकल सकते हैं शाम को, थोड़ा जैसे टहलिए खाना खा के बाद, तो ये भी आप कर सकते हैं। तो मेरा मानना तो ये, तो मतलब बहुत बुरी हालत हो चुकी है, ठीक है। और मैं देख रहा था मतलब न्यूज़ पे देख रहा था कि मोदी जी कह रहे हैं कि भारत में जो है मतलब कोरोना के केस जो तेज़ी से घट रहे हैं। अरे घट नहीं रहे हैं भाई साहब, बहुत बढ़ रहे हैं। अरे उनको क्या पता है, मतलब गलत बात है यार। यहाँ पे इतने सारे केस बढ़ रहे हैं तो, और वो बड़े घट रहे हैं, ये कैसे प्रधानमंत्री हो यार, थोड़ी गलत बात है यार। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब जब हमको पूरे भारत को पता है कि यार बहुत ज़्यादा केस बढ़ रहे हैं, तो फिर कैसे हो सकते हैं। और एक यार वो गलत सीन हो, वो जो वो अल्मोड़ा साइड हुआ, उत्तराखंड में हुआ, वो भुवन जोशी के साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ, ठीक है। तो यार मतलब इंसानियत सच में ख़त्म हो चुकी है। आजकल किसी पे विश्वास नहीं किया जा सकता, चाहे वो कोई भी, चाहे आपका कोई भी हो, ठीक है। तो ऐसे लड़कियों के चक्कर में मत पड़ो, ठीक है। अगर पढ़ना है तो भाई सबकी सहमति लो, घर वालों की भी लो और लड़की के घर वालों की लो, सबकी लो अगर ऐसा करना है, ठीक है। अगर ऐसा वायद भी कर भी लिया तो शादी भी उससे कर लो, और ऐसे पंगे मत पड़ो। ये बहुत बुरा हो रहा है आजकल, आज की दुनिया इतनी खतरनाक है ना कि कब कहाँ कोई आपको मतलब कब कहाँ क्या कर दे आपको कोई पता नहीं है।
लोग इतने इतने खतरनाक है आजकल कि वे आपको मार भी सकते हैं, तो इसलिए लोग इसे थोड़ा बच के रहो और खुद भी आराम से रहो और अपने मज़े से ज़िंदगी गुजारो, ठीक है। तो मैं भी इतना कहना चाहता हूँ, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और जो मैंने आपको बोला था कि वीडियो जो है जल्द लाएंगे दूसरे चैनल पे, तो अभी वो थोड़ी लेट आएगी, ठीक है। देखते हैं कब तक है कि मैं इसको खुद शूट करने वाला हूँ, खुद अपने मतलब मेरे दो तीन रोल मेरे खुद ही होंगे, मेरे साथ कोई नहीं होगा, मैं इसको अकेला बनाऊँगा, ठीक है। अगर भाई मेरे साथ और होंगे और दोस्त होंगे तो मैं और दोस्तों के साथ बनाऊँगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।